वेलकम, स्वागत है आपका। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज इंग्लिश। ओके, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को कैसे डिफाइन करें। इससे पिछले वीडियो में जो कि पार्ट वन थी, फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश का हिस्ट्री क्या है। ओके, इंग्लिश कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे, इस क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दे देते हैं और देखिए, सबसे पहले ये और आपको इंग्लिश। ओके, आपको सबसे पहले इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको जानना जरूरी है। वो क्या है वो फर्स्ट पॉइंट, देखिए, इंग्लिश मात्र एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। बोल रहे से, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। ये मात्र एक भाषा हुआ, ओके, लैंग्वेज हुआ, ये इंटेलिजेंसी का मापा नहीं हुआ। आप इंटेलिजेंसी को, बुद्धिमानी को इंग्लिश से नहीं माप सकते हैं। कि किसी को मान लीजिए कोई जन है, वो इंग्लिश में बहुत बहुत ही अच्छा, मतलब वो स्पोकिंग कर लेता है, ओके, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ। किसी को स्पोकिंग नहीं होता है, क्या हुआ, वो मतलब कमजोर हो गया, वीक हो गया। दैट्स रॉन्ग, ये सरासर क्या है, गलत है। एक तरीका से भाषा है। आप हमें एक बात बताइए, जैसे कि हमारे जो बांग्ला है, ओके, बांग्ला हमको नहीं आती है तो हम बेवकूफ़ हो गए, क्लियर। आपको मान लीजिए चाइनीज नहीं आती है तो आप बेवकूफ़ हो गए। वो सब एक तरीका से भाषा हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है, अपने लोग के समाज में जिसको इंग्लिश होता है वो समझता है कि उसको क्या है, बहुत तुरंखार हो गया है ना, तो बहुत ही बड़ा वो क्या हो गया, एक तरीका से इंटेलिजेंट हो गया। ये गलत बात है, वो एक तरीका से भाषा है। आप ये बुद्धिमानी को, इंटेलिजेंसी को आप इंग्लिश से नहीं माप सकते हैं, ओके। इसलिए इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, वन एंड ओनली लैंग्वेज, प्लीज नोटेड, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी का मापा नहीं हुआ इंग्लिश, तो इंग्लिश एक मात्र भाषा है, वो इंटेलिजेंसी को आप इंग्लिश से नहीं माप सकते हैं। कि तुमको इंग्लिश ज़्यादा आती है तो तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम कमज़ोर हो गए। दैट्स रॉन्ग, ये सरासर क्या है, गलत है। ओके, चलिए, मात्र इंग्लिश को एक भाषा की तरह लीजिए, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। ओके, चलिए, अब देखिए, अब या तो फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, या एक मात्र भाषा है, बुद्धि का मापन नहीं है। बुद्धि को आप इंटेलिजेंसी से, मतलब बुद्धि को आप इंग्लिश से नहीं माप सकते हैं। तो इंग्लिश आती है वो भी अच्छी बात है, नहीं आती है वो भी बात है। हाँ, हालांकि और है कि सर्वाइव करने के लिए, जॉब करने के लिए, सब जगह साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंग्लिश का काम है, वो अलग बात है। पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, सीखना अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो है सो इंग्लिश से है। इंग्लिश किसी को आता है तो इंटेलिजेंट हो गया, नहीं आता है तो कमज़ोर हो गया। ये क्या है, एक तरीका से पूरी तरीका से क्या है, गलत है। क्योंकि वो एक तरीका से भाषा है, जैसे मराठी है, जैसे चाइनीज है, जैसे नेपाली है, जैसे और भी सैकड़ों भाषे हैं, ठीक है ना। मात्र इंग्लिश उसके जैसा है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको कोई अगर पूछेगा कि कोई भी बंदा आपसे आस्क करेगा कि व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, LANGUAGE, ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, डी है। अब देखिए, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए, ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब होता है वैश्विक भाषा, ऐसा लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, समझ जाती है, तो पूरी दुनिया में बोली जाती है, बस है ना। ऐसा लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश। जैसे मराठी है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, नो। संस्कृत है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, नो। नेपाली है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, नो। चाइनीज पूरी दुनिया में बोली जाती है, नो।
तो केवल इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो मैक्सिमम हर देश में बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, हर सिलेबस में होता है। तो कहने का मतलब है वैसा भाषा, वैसा लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, पढ़ी जाती है और लिखी जाती है और समझी जाती है, डू व्हाटएवर, वो इंग्लिश होता है। ठीक है ना, ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब है जो पूरा फैला हुआ है, जो पूरा दुनिया में जिसका बोलबाला है, उसको एक तरीका से क्या बोलेंगे, ग्लोबल लैंग्वेज। नेपाली ग्लोबल लैंग्वेज नहीं हुआ, इंडिया में कहाँ ज़्यादा आदमी बोलता है नेपाली, तो नेपाली में चलेगा, मराठी मुंबई से मुंबई के आसपास चलेगा, कोलकाता में चलेगा बंगाली, इस हिसाब से। लेकिन इंग्लिश है, इंग्लिश तो हर गली, हर नुक्कड़, हर देश, हर विदेश, मतलब दुनिया में हर जगह फैला हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल लैंग्वेज। तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो गया, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, मतलब एक तरीका से वैश्विक भाषा है। ओके, थर्ड पॉइंट में आते हैं कि और क्या बात इज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक, नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। अब फोनेटिक क्या होता है, देखिए नॉन फोनेटिक और फोनेटिक में क्या अंतर है, जो हम पढ़ेंगे ठीक है ना, वही हम लिखेंगे, मतलब जो चीज़ लिखा हुआ है उसी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फोनेटिक। तो हिंदी एक तरीका से फोनेटिक लैंग्वेज है, संस्कृत एक तरीका से फोनेटिक लैंग्वेज है। कैसे, जैसे देखिए ये आप नोट कर लीजिए, इंग्लिश में एच होगा, सॉरी, इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। जैसे देखिए हमने लिखा, मान लीजिए राम, क्या लिखा, रो आकार में राम, तो राम में पढ़ेंगे। ओके, फिर देखिए विद्वान, विद्वान लिखे हैं, विद्वाने पढ़ेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फोनेटिक का मतलब हुआ, सिंपल में आप समझ लीजिए, PHONETIC, फोनेटिक का लैंग्वेज हुआ, जो हम लिखेंगे वही हम पढ़ेंगे, फोनेटिक हुआ। लेकिन इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। जैसे देखिए नाइफ, कैसे स्टार्ट है, लेकिन पढ़ते इसको नैप, ये तो नहीं है ऐसे पढ़, ऐसे लिखा जाता है नैप, नहीं, नैप लिखते हैं क्या चीज़ से, कैसे, है नैप स्टार्ट होता है कैसे, ठीक है ना, लेकिन पढ़ते हैं एन से नैप। फिर देखिए, फिर मान लीजिए हो गया एक तरीका से कोई भी चीज, जैसे कि वर्ब, वर्ब हुआ, आर पर भी नहीं करते, ये तो नहीं कहते वर्ब, ऐसे नहीं कहते वर्ब या वर्ब, नहीं बोलते वर्ब बोलते हैं। फिर देखिए नॉलेज, शुरू हुआ कैसे, पढ़ते हैं एन से, नॉलेज फोनेटिक लैंग्वेज, नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। फिर कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं, कोई भी सैकड़ों एग्जाम्पल है, तो नाइफ मतलब चाकू, इस तरीका से। और कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम पढ़ते हैं वो, मतलब जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं, तो फोनेटिक लैंग्वेज हुआ ठीक है ना, जो हम पढ़ते हैं वही लिखते हैं, या जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, तो फोनेटिक लैंग्वेज हुआ। लेकिन लिखते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं, तो नॉन फोनेटिक लैंग्वेज हुआ। क्लियर हुआ, लिखते कुछ और हैं और पढ़ते कुछ और हैं। लाफ देखिए, लाफ फो आता है लेकिन यहाँ पे जी एच है, इस तरीका से। क्लियर, तो क्लियर हो गया फोनेटिक लैंग्वेज क्या है, फोनेटिक लैंग्वेज, फोनेटिक लैंग्वेज, फोनेटिक लैंग्वेज क्या है, जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, जो राइट करेंगे सेम वही रीड करेंगे, फोनेटिक लैंग्वेज। ओके, फिर एक होता है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, लिखेंगे कुछ और पढ़ेंगे कुछ और, लिखेंगे कुछ और पढ़ेंगे कुछ और, वो क्या हो गया, नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश लिखते हैं कुछ और पढ़ते हैं कुछ और, जमीन आसमान का अंतर होता है बस ना, इसलिए ज़्यादातर आदमी कन्फ्यूज है। क्लियर ना, ये हिंदी में कोई कन्फ्यूजन नहीं, संस्कृत में कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझ ना, जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, तो जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, फोनेटिक, लिखेंगे कुछ और पढ़ेंगे कुछ और, रीड करेंगे कुछ और राइट करेंगे कुछ और, क्लियर, नॉन फोनेटिक, समझ गए। चलिए थर्ड में आपको कोई अगर पूछेगा, थर्ड पॉइंट अगर आपको कोई पूछे, आप बोलेगा इंग्लिश इज अ, इंग्लिश इंग्लिश इज अ, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अभी क्या, देखिए तीन चीजें होती है,
इंग्लिश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तीन चीज़ होती है। एक देखो, इसको आपको समझने से पहले आपको ये समझना हुआ होगा कि एक होता है इंटर, ठीक है। एक क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक होते हैं इंटर, एक होता है इंटर INTER, ठीक है। एक होता है एक्स्ट्रा, एक होता है इंटरा। तीन चीज होती है, इंटर INTER इंटर, EXTRA एक्स्ट्रा, INTRA इंटरा। देखिए सबसे पहले इंटर क्या होता है, इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, ठीक है। दो के बीच में, दो दो होता है इसका मतलब, दो के बीच में इंटर। एक्स्ट्रा बाहर और साइड, ठीक है। इंट्रा अंदर, इनसाइड। तो INTRA इंट्रा इनसाइड हो गया, EXTRA एक्स्ट्रा और साइड हो गया। इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। इंटर INTR इंटर, इंटर मतलब कनेक्ट, कनेक्टिंग दो के बीच में। तो देखिए अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ पे इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इंटर INTR इंटर दो के बीच में, नेशनल राष्ट्र देश, तो दो देशों के बीच की भाषा हुआ इंग्लिश। देश में तो बोल ही जाता है, ठीक है ना, नेशन में तो चलता ही है ये लैंग्वेज, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेशनल भी है ना, मैं तो इंटरनेशनल है ही। तो कहने का मतलब है, इंटरनेशनल का मतलब हुआ नेशन एंड नेशन से बाहर, देश और विदेश दोनों के देशों में चलता है इंग्लिश, इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर यह बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, समझा जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। कैसे समझे, कैसे पता लगा है, इंटर मतलब दो के बीच में, दो नेशन मतलब देश, दो देशों के बीच की भाषा हुआ इंग्लिश। इसलिए इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय तो है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भी है, मतलब विदेश और देश दोनों का है। क्यों? क्योंकि इंटर मतलब दो के बीच में, नेशन मतलब एक तरीका से राष्ट्र देश। क्लियर, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यहाँ तक क्लियर है। फिर आप बोल सकते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल लिंक। इंटरनेशनल लिंक, लिंक मतलब क्या, एक तरीका से संबंध बोल सकते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। मानव की एक प्रकार का अभिव्यक्ति है, निखार है। जैसे कि मान लीजिए 10 जन है, ठीक है, वो 10 जन में किसी के पास मान लीजिए शक्ल अच्छा नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, लेकिन वो फराटेदार इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसका क्या होगा, धाक होगा, बस ना, वहाँ पे उसका पर्सनैलिटी क्या होगा, होगा तो एक तरीका से पर्सनैलिटी डेवलप करने का एक तरीका से क्या ही लैंग्वेज है, ठीक है ना। ह्यूमन एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि आप 10 10 जन के अंदर में मान लीजिए आप बैठे हुए हैं आप, ठीक है ना, 10 जन आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, ये है वो है, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी है, लेकिन आप आपको आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास अच्छे कपड़े हैं ना, आपके पास लुकिंग अच्छा है, लेकिन आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है, तो वहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, पड़ जाता है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। क्लियर। फिर भी आप ये भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। बहुत सारा चीज़ है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दो तीन पूरे आप बोल सकते हैं। फर्स्ट में हमने आपको क्या बताई थी, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ मीजर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, या बोलिए इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्लियर। इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। क्लियर। चलिए तो इस क्लास में हमने जाना, पार्ट 2 था इंग्लिश का, इसमें हमने जाना कि इंग्लिश क्या है। कोई पूछेगा व्हाट इज इंग्लिश, ठीक है ना, कोई आपके आस्क करेगा आपसे व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश को डिफाइन करो, तो आपको जितना भी बताएं कोई भी आप सबका ले सब लेन आप बता दीजिए, नहीं तो उसमें से 2 3 लेन जो आपको पसंद आए वो आप वहाँ पे आप बता सकते हैं। क्लियर। अगले क्लास में हम जानेंगे कि इंग्लिश के कितने पार्ट्स होते हैं, कितना क्लासिफिकेशन होता है इंग्लिश का, ठीक है ना। उसके बाद धीरे 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 ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, थैंक्स।